देश का विभाजन मोहम्मद अली जिन्ना एवं नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के जिद के कारण मोहनचंद करमचंद गांधी जी ने देश का विभाजन किया और जिसका प्रतिकार करने के लिए हुतात्मा नाथुराम गौड़से और हुतात्मा नारायण आपटे जी को अम्बाला की जेल में 15 नवंबर को जो है फांसी की सजा दी गई, फांसी दी गई थी। उस माटी को अम्बाला की जेल का निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर जयवीर भारद्वाज मैंने निरीक्षण किया और वहाँ से अम्बाला से जो है उस वीर भूमि की, बलिदानी भूमि की जो है मिट्टी में लेकर आज यहाँ उपस्थित हुआ और इसका पूजन अभी आपके सामने हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष लोकेश शर्मा जी, अर्चना चौहान जी और युवक हिंदू महासभा के जिला संयोजक पवन माहौर जी, आनंद माहौर जी के मार्गदर्शन में किया गया। और हमारा इसमें पीछे सीधा सीधा कहना है कि हम जो गौर से बयान अध्ययन माला का जो आज हमने शुभारम्भ किया है उसके पीछे एक ही कारण है कि हम जन जन तक ये बता देना चाहते हैं कि गौड़से जी ने जो अंतिम बयान में कहा था कि मैंने जो गांधी जी का अंत क्यों किया, उसके पीछे था कि सर्दी की ठुठरती रातों में जो मस्जिदें बेकार थीं उन मस्जिदों में वहाँ के विभाजन के बाद जो है लाखों लोग जो शरण लिए दिल्ली के अंदर मौजूद थे उनको बाहर निकाला गया और कड़क कड़कती हुई सर्दी के अंदर जो है वो जिनके पास ओढ़ने के लिए भी वस्त्र नहीं थे वो बाहर रहे और मरते गए और ऐसी विषम परिस्थितियाँ, लाखों लोगों को जो है ट्रेनों से भेजा गया काट कर वो जो सीन था उस दृश्य को वो सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने मोहनचंद करमचंद जी का अंत किया। और जय राष्ट्रभक्ति आज हम जन जन के बीच लाना चाहते हैं क्योंकि देश की आज़ादी में 7,32,000 बलिदानियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपना बलिदान दिया है तब जो देश को आज़ादी मिली। कांग्रेस के द्वारा जो विभाजन के बाद जो सारा का सारा कत्ल छुपाया गया।